उसे। आजकल माही गिल एंड विनय पाठक को क्या हो गया है, वो मीडिया के सामने भी उठपटांग हरकतें करने लगे हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कोई उनका कितना ही मजाक बनाए। घबराइए नहीं, माही और विनय को कुछ नहीं हुआ है, बल्कि दोनों की उठपटांग हरकतें देखने को मिली इस फिल्म की प्रीमियर पर। टेक अ लुक। कक्षा शुरू होती है। कैसे भैया, ठीक हो? बहुत बढ़िया है। सुन तो लो भाई, कुछ बोल रहा हूँ मैं। सेंटर लुक। और ये लोग बांग्लादेशी हैं। अजी हरकत नहीं करता मैं काम करता हूँ जी, बड़े सच्चे दिल से। भूख लगी है आपको, मैं अभी समोसे खिलवाता हूँ भाई। टोकन ले ले, ये हमारी प्रोड्यूसर हैं, इनके चरण छुए। फिल्म उठपटांग का हाल ही में हुआ मुंबई में प्रीमियर। इस फिल्म के प्रीमियर पर यूं तो बॉलीवुड का कोई बड़ा स्टार नहीं पहुंचा, लेकिन इस फिल्म के स्टार्स का यहां हमें उठपटांग साइड जरूर दिखा। अब इन्हें ले लीजिए, विनय पाठक कितने उठपटांग है ये तो किसी से छिपा नहीं है। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे हुए हमारे साथ विनय पाठक की ये उठपटांग कॉन्वर्सेशन। विनय, पहले फिल्म के बारे में बताइए। ये दोनों जो किरदार हैं, इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं, ना तो एक दूसरे के गले पे और गाल पे कहीं तिल है, ना एक दूसरे का लॉकेट है, ना दोनों की माँ एक ही हैं, या दोनों के पिता एक हैं, या खानदान एक है, कुछ नहीं है। ये इन दोनों का एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं था। एक्चुअली इट वाज समथिंग कि दूसरा वाला रोल कोई और भी प्ले कर सकता था, बट मुझे लगता है कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने पैसे बचाने के लिए ये रोल मुझे ही दे दिया। लेकिन उससे पहले विनय की अर्जी तो सुनिए कि वो गुजारिश कर रहे हैं कि भाई कुछ तो सुनो। सुन तो लो भाई, कुछ बोल रहा हूँ मैं। सुन तो लो भाई, कुछ बोल रहा हूँ मैं। उसके बाद मीडिया से हो गए कुछ ज्यादा ही ओवर फ्रेंडली। कक्षा शुरू होती है। कैसे भैया, ठीक हो? मवा है, बहुत बढ़िया। और बातों बातों में कुछ यूं उठपटांग घुमाया कि सब गोल गोल घूमते रहे। कक्षा शुरू होती है। कैसे भैया, ठीक हो? मवा है, बहुत बढ़िया। सुन तो लो भाई, कुछ बोल रहा हूँ मैं। सेंटर लुक। ये लोग बांग्लादेशी हैं। ये आपको तो पता ही है, मैं किसी के भी पैसे बचाने के लिए हमेशा आगे रहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, ये डबल रोल करता हूँ, और मैंने कर दिया डबल रोल। अजी हरकत नहीं करता मैं काम करता हूँ जी, बड़े सच्चे दिल से। भूख लगी है आपको, मैं अभी समोसे खिलवाता हूँ। मेरा बैग नीचे गाड़ी में। भाई मेरे बैग के पीछे क्यों पड़ गए हो आप? जब बैग रहता है तो ये पीछे पड़ता है। बैग में क्या है? बैग में क्या है? बैग नहीं है तो बैग कहाँ है? उधर छुपा के रखा है मैंने। आनी चाहिए, हमारी भी रंगीन नहीं है, अगर आपको नहीं मालूम हो तो। उठपटांग इज इन कलर। कलर भी पसंद किया, और ये वाला भी, वो वाला भी। नाम बताइए, फिर मैं आपके सवाल के जवाब दूँ। भाई टोकन ले ले। कल पूरी शाम विनय पाठक का कुछ ऐसा ही अंदाज देखने को मिला। पूरे इवेंट पर कभी ये प्रोड्यूसर से मजाक करते नजर आए, तो कभी मीडिया से। ये हमारी प्रोड्यूसर हैं, इनके चरण छुए। और कुछ ऐसा ही अंदाज हमें माही गिल का भी दिखा। माही यहाँ इस ब्लैक ड्रेस में खूब दिखी, और पूछे जाने पर कि पैसा इम्पोर्टेंट है या प्यार, तो दे दिया ये उठपटांग सा जवाब। दोनों, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है, लेकिन प्यार बहुत जरूरी है। और कुछ ऐसा ही अंदाज मुराद सिंह का भी था। विलेन के अलावा रजत कपूर और अतुल कुलकर्णी भी नजर आए इस प्रीमियर कम स्क्रीनिंग में। क्योंकि विनय साहब ने और सौरभ शुक्ला जी ने बुलाया तो मैं आ गया। मैंने प्रोमो देखा नहीं, मुझे कुछ आइडिया नहीं। तो बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है। विनय पाठक बड़े मंचे हुए कलाकार हैं, तो उन्हें देखने में काफी मजा आता है। तो कुछ यूँ स्मॉल बजट फिल्म के प्रीमियर कम स्क्रीनिंग में दिखे सेलिब्रिटीज, लेकिन हमें दिखा यहाँ फिल्म के स्टार्स का उठपटांग साइड भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जिंग, मुंबई। कक्षा शुरू होती है। कैसे भैया, ठीक हो? मजा है, बहुत बढ़िया। सुन तो लो भाई, कुछ बोल रहा हूँ मैं। सेंटर लुक। और ये लोग बांग्लादेशी हैं। अजी हरकत नहीं करता मैं काम करता हूँ जी, बड़े सच्चे दिल से। भूख लगी है आपको, मैं अभी समोसे खिलवाता हूँ भाई। टोकन ले ले। ये हमारी प्रोड्यूसर हैं, इनके चरण छुए।